नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं अपना चैनल बर्ड किंगडम कार्तिक में। दोस्तों तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए। दोस्तों हम देखेंगे कि नीम के पत्ते ये जो है बर्ड के लिए, अपने जो जितने सारे बर्ड है, वो बजरी हो, लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये नीम के पत्ते आप सभी को हर शहर में, हर गांव में मिल जाते होंगे। दोस्तों इसके लिए कोई बर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, साइड में आपको घर के साइड या कहीं बाहर आपको मिल ही जाएंगे। दोस्तों तो ये पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप पहले भी दिए होंगे तो नए नए जो बर्ड है वो खाते नहीं। दोस्तों देखिए, ये हम कॉलोनी के अंदर है फिर भी ये खाने के लिए आ गए, तो ऐसे आपको आदि बनाना है खाने के लिए। वो बर्ड खाएंगे शौक से, और ये महीने में आपको दो तीन बार जितने बार आप दे सके इसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये अच्छा है। दोस्तों इसमें क्या है, बहुत ही एंटीबायोटिक चीज़ होती है जो बर्ड के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, कोई जीवाणु विषाणु यानी जल्दी से अटैक नहीं कर सकते अपने बर्ड को। और जो पेट में कीड़े होते हैं दोस्तों, ये कीड़े मारने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक दवाई होते हैं। तो जैसे कि आप नीम के पत्ते हों या तुलसी के पत्ते, और ऐसे जो एंटीबायोटिक वाले पत्तियां हैं, आगे हमारे साथ बनी रहे दोस्तों। आगे ऐसे तीन चार और एंटीबायोटिक पत्ते हैं, ऐसे आपको बर्ड को देना है। और देने का सही तरीका दोस्तों, ऐसे आप कॉलोनी में हो या केज में हो, ऐसे आप हैंगिंग करके दे सकते हो, तो उसमें क्या है बर्ड खेलेंगे भी और खाएंगे शौक से। अब देखिए दोस्तों आगे कैसे हमारे बर्ड खाने के लिए आगे और इस पर खेलेंगे और मस्ती करेंगे और खाएंगे। तो ऐसे बर्ड को अगर हैंगिंग करके दिए तो टंगा दिए तो वो खेलते हैं, और नीचे दिए तो उतना खेलते नहीं और ख़राब कर देते, उसको पॉटी वोटी करते तो और नुकसान होते, इसमें पॉटी करने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों इस तरह से हम बर्ड को क्या है, हफ्ते में एक बार या महीने में समझ लो चार बार तीन बार तो आपको देनी है। तो डीवॉर्मिंग करके है जो यानी जो अपना केमिकल से बना हुआ दवाई है, वो बर्ड के लिए बहुत हानिकारक होता है। छोटी सी नन्नी जान होती है, और उसको कीड़े मारने के जो दवाई वगैरह हैं, जो कृमि का दवाई है, वो बर्ड के लिए देना सही नहीं है। दोस्तों तो वो क्या है, हम नीम पत्ते अगर दिए तो उससे वो कीड़े जो है पेट में, वो बर्ड को यानी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। दोस्तों वो खाते हैं और कीड़े वो मर जाते हैं। दोस्तों तो जैसे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, पहली बात है, बर्ड खाएंगे भी और खेलेंगे भी। और जो किमड़ी अगर जो कृमि बोलते हैं, कृमि जो कीड़े होते हैं पेट में, वो अगर लगा तो बर्ड धीरे धीरे सूख जाता है। दोस्तों वो खाते नहीं, खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो सूख जाते हैं। उसके जो पर है, पड़ों का शाइनिंग, वो कलर जो है वो शाइनिंग उतना अच्छे रहते नहीं दोस्तों। तो इसीलिए आप बीच बीच में ये कराते रहे तो कोई केमिकल या दवाई की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको घर में ही फ्री में एक एंटीबायोटिक, अच्छा वाला एंटीबायोटिक बर्ड को मिल जाएगा। दोस्तों तो इसमें से एक आध पत्ते कुछ भी खाए खेलते खेलते, उसमें वो काम हो जाएंगे। इतने छोटे उनका पेट है, इसीलिए थोड़ा भी खाए तो उससे ही काम बन जाएगा। दोस्तों आगे हमारे साथ बने रहे दोस्तों, आपको ऐसे नए नए अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करना ज़रूर, और लाइक भी करना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना वीडियो। तो आगे हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे तो और अच्छे से नए नए वीडियो मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसे जो घिसा पीटा हुआ जो यूट्यूब में बार बार ऐसे वाले नहीं है, नए नए आइडिया के साथ नए नए वीडियो अपने चैनल में जाके देखो दोस्तों, ऐसे अच्छे से वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिर देख के अच्छा लगे तो तब भी सब्सक्राइब करना दोस्तों, लेकिन हमारे जो चैनल है चैनल पर विजिट कीजिए बर्ड किंगडम कार्तिक में। दोस्तों अगर अच्छा लगे दोस्तों तभी सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो इस तरह से अपने बर्ड को नए नए चीज़ आप डालते जाइए, एक दिन हो दो दिन हो नहीं खाएंगे लेकिन वो ज़रूर खाएंगे दोस्तों। तो एक जो पेट में कीड़े मारने के लिए और एंटीबायोटिक के रूप में, ये बहुत ही कारगर चीज़ है दोस्तों। हम पहले भी बर्ड को देते थे, पहले के बर्ड भी हमारे बहुत शौक से खाते, और ये बर्ड भी बहुत शौक से खा रहे हैं दोस्तों। आप देखें, आपके सामने हैं वो कैसे खा रहे हैं और
खेल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे जो नए बर्ड है एक दिन नहीं खाएगा, दो दिन नहीं खाएगा, लेकिन ज़रूर तीसरा दिन वो खाएगा, इतना गारंटी है दोस्तों। तो आप अभी आपको बर्ड को देना शुरू करें और एक दो पत्ती नहीं देखे दोस्तों, खुला खुला नहीं देखे, ऐसे जो डालिया है डालिया तोड़ के दे, तो उसमें बर्ड बहुत खुश होते हैं और खुशी से खाते भी है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे दोस्तों, देखने के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। आगे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद, ख्याल रहे।